हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को लेकर के चल रहे हैं आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए, और आपने अपने एनवायरनमेंट का पहला प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और आपको खुद अंदाजा हो गया होगा किस स्तर से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या है कि जो आपके यूपी टेट का एग्जाम हुआ था वह 2011 में होने के बाद 2012 में नहीं हुआ, 2013 में हुआ। तो हम लोग आज 27 जून 2013 को जो आपके एनवायरनमेंट का पेपर हुआ था, मतलब टेट में जो एनवायरनमेंट का सेक्शन था, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। कब? 27 जून 2013 पर। तो प्लीज जितने लोग लाइव आ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को, और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन जो कि आपके एनवायरमेंटल स्टडी से 2011 के बाद 2013 में आएंगे। आप खुद परिवर्तन देख पाएंगे कि 2011 से 2013 में किस प्रकार से क्वेश्चंस में बदलाव आए हुए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज आपका एकदम जबरदस्त फटाफट सेशन। तो प्लीज एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। क्या पूछ रहा है कि जो शुष्क बर्फ होता है, क्या शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो देखिए, जो आपके गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यह गैस ठोस का रूप धारण कर लेती है तो इसी को कहा जाता है शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। इसका मतलब है कि जो शुष्क बर्फ है वह किसका ठोस रूप है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या है? शुष्क बर्फ है। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आपका। देखिए, हां, हो सकता है कि आप लोग के पास अलग सेट हो, तो क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं अलग अलग सेट में, लेकिन क्वेश्चन सब एक ही होते हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आप लोग मिलाएं और आपको ना मिले तो आप कह दें कि सर मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप सही कहां आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। कितने? 61 नंबर क्वेश्चन से। चलिए आइए बात करेंगे नेक्स्ट, यानी 62 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड। झूम खेती होती है, झूम खेती, ये सर झूम खेती क्या है? केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। देखिए, झूम खेती का मतलब होता है स्थानांतरित, क्या? स्थानांतरित कृषि, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कृषि। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि भारत की बहुत प्राचीन काल की कृषि है। प्राचीन काल की कृषि को किस नाम से जाना जाता है, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। प्राचीन काल की कृषि किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती या स्थानांतरित कृषि। और झूम खेती किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, क्वेश्चन है, तो कहां कहा जाता है? मेघालय में। सर होता क्या है इसमें? क्या होता है? जनजातियों में बहुत ज्यादा होता है। यहां होता है ना कि जंगल को काटते हैं, उसको एक मैदान जैसा रूप देते हैं, जुताई करते हैं, आपके फसल उगाते हैं, फिर जब तक दो चार साल, साल दो साल, तीन साल, चार साल उसमें करते हैं, जब वहां की उपजाऊ उर्वरता शक्ति कमजोर हो जाती है तो फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहां जंगल को काटते हैं, जलाते हैं। यह क्या होता है? जो झूम खेती होता है वह पर्यावरण के नुकसानदायक होता है। भाई पेड़ पौधे काटे ना, तो पर्यावरण के क्या है? प्रतिकूल है, पर्यावरण के प्रतिकूल है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघालय, यह क्वेश्चन आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का
उपभोक्ता है। तो कहने का मतलब, देखिए उपभोक्ता का मतलब होता है खाने वाला, उपभोग करने वाला। उपभोक्ताओं की श्रेणी की बात करें तो तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। कौन? द्वितीय श्रेणी पूछा है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तीन उपभोक्ता, तीन श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वह होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों साग भक्षी होते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? मुख्य रूप से, मुख्य रूप से इसमें आएगा गाय, बकरी, छोटे जीवों की बात करें तो टिड्डा, हाथी, बंदर। कहने का मतलब साथियों, जो शाकाहारी होते हैं वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर होते हैं वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तब प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे सर्प। सर्प क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। बाज, बाज क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। बिल्ली क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। कुत्ता क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है जो मांसाहारी होता है, सबको मार करके खा सकता है, जैसे शेर, चीता। तेंदुआ, लकड़बग्घा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो इसमें हाथी जो है प्राथमिक श्रेणी का होगा, बकरी प्राथमिक होगा, शेर तृतीयक होगा, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? सांप। सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि वह चूहों को खा जाता है, जिससे किसानों को नुकसान चूहे नहीं पहुंचा पाते, इसलिए चूहे को, माफ कीजिएगा, किसान को सांप का मित्र कहा जाता है। कितना शानदार, जबरदस्त और फैंटास्टिक क्वेश्चन है। चलिए आइए बात कर लेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 या 64। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस जनपद में, आपके उत्तर प्रदेश की बात है, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी? देखिए साथियों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। कब हुई? 1957 में। कहां हुई? चंदौली में हुई। कहां हुई? चंदौली में हुई। ये चंद्रौली नहीं होना चाहिए साथियों, क्या होना चाहिए? चंदौली होना चाहिए। कहां? चंदौली में। कहां हुई? चंदौली में हुई। ये वाराणसी के पास में स्थित है। देखिए लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। लखीमपुर खीरी में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी देख लो, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, ताकि बहुत ही रोमांचक चीजें। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि स्टडी 91 आपके लिए लाया है क्या? पाठशाला बैच। क्या लाया है? पाठशाला बैच। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आपको पाठशाला बैच मात्र 399 रुपीज में मिलेगी, जिसमें आपको प्रैक्टिसेस, क्लासेस, डाउट सेशन सब कुछ प्रोवाइड होगा, मैथ का, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का और इन्वायरमेंट का। चलिए आइए बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहिए और जवाब देते रहिए साथियों। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए।
सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? क्या पूछ रहा है कि सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से? देखिए बता दें, फूल को तो, फूल उत्पादन को तो फ्लोरी कल्चर बोलते हैं, फूल उत्पादन को फ्लोरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरी कल्चर। रही बात उर्वरक को, तो उर्वरक को कृष्ण क्रांति, धूसर क्रांति बोलते हैं। कौन सी क्रांति बोलते हैं? धूसर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें से दो से में ऑप्शन आपका क्या होगा? पहला होगा। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, वन एवं वन्य उत्पाद का संबंध सिल्वी कल्चर से है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो 2011 से 2013 थोड़ा सा भिन्न है। क्या है? थोड़ा सा भिन्न है। 2011 से 2013 का जो क्वेश्चन है वह थोड़ा सा भिन्न है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके बीच में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, ताकि इंपॉर्टेंट रोमांचक सेशन, प्रैक्टिस सेशन जो आपका नहीं चल रहा है, प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है, आए हुए क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर अंदाजा होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, विश्व ओजोन दिवस कल के भी सेशन में, कल दो जो आपने पिछला सेशन देखा होगा 2011 का, वहां यह नहीं पूछा था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वहां पूछा था कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है। और मैंने वहां पे बताया था कि विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक चीज और बता दे रहा हूं, मैंने उस दिन भी बताया था, पिछले सेशन में आज भी बता रहा हूं, ओजोन की मोटाई को हम कहां मापते हैं, किसमें मापते हैं? डाब्सन में मापते हैं। डाब्सन में हम क्या करते हैं? ओजोन की क्या करते हैं? मोटाई को मापते हैं। डाब्सन में हम क्या करते हैं? ओजोन की मोटाई को मापते हैं, ठीक है। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण, ओजोन का सर्वाधिक क्षरण नुकसान अगर हुआ है तो कहां हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में, या कहीं कहीं दक्षिणी ध्रुव भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, ओजोन के लिए सबसे अधिक कौन सी गैस नुकसानदायक है? तो ओजोन पर्वत को, माफ कीजिएगा, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन करती है? सीएफसी करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। कहाँ पाई जाती है साथियों? यह मुख्य रूप से जो आपके एसी होते हैं और जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, वहां निकलती है, ठीक है, ये ओजोन। अच्छा, ओजोन हमारी रक्षा क्यों करता है? जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है ना, वह क्या होता है कि हमारे और आपके स्किन के लिए, जीव जंतुओं के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, तो उससे क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। चलिए, अच्छा, बायोडीजल जैव ईंधन भी कह सकते हैं इसको, बायोडीजल तैयार किया जाता है कौन से पौधों से? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या यूकेलिप्टस से? तो बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? देखिए, एक पौधा होता है कराकर पौधा होता है बायोडीजल के लिए। बायोडीजल के लिए एक होता है जेट्रोफा, आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास पहाड़ियों पर लगाए भी हो सकता है, लगाए भी गए हूं। ये दो पौधे होते हैं, एक म्यूरेनिया होता है। क्या होता है? म्यूरेनिया होता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जेट्रोफा दे दिया है तो कराकर और म्यूरेनिया के बारे में भी पूछ ले बायोडीजल के लिए। तो बायोडीजल क्या होते हैं? पौधे होते हैं, पौधे से डीजल तैयार किया जाता है, उसको बायोडीजल का पौधा कहा जाता है। जेट्रोफा एक प्रकार का क्या है? पौधा है भाई, यह एक प्रकार का पौधा है, इसलिए आपको पता, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आप प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और बात करेंगे आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कृत्रिम वर्षा के लिए
मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन, जो कृत्रिम वर्षा की जाती है उसमें जो मेघ का निर्माण होता है, मेघ विजन होता है, उसमें कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से उठाया गया क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए यहां पर क्या होता है ना कि उसके लिए H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और H2SO4 के लिए बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड की जरूरत पड़ती है। तो मेघ विजन के निर्माण के लिए, मेघ विजन के लिए जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, आर्टिफिशियल रेन होता है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सिल्वर आयोडाइड। इसमें कोई बहुत ज्यादा विस्तार से बात आने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। तो किसकी जरूरत पड़ती है साथियों? सिल्वर आयोडाइड की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? सिल्वर आयोडाइड की जरूरत पड़ती है। चलिए आइए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे जबरदस्त तरीके से। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे शानदार तरीके से। बहुत जल्दी से शेयर करिए। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूनेपा, यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेस्को या तो धरोहरों से संबंधित है, IUCN एक संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। और मैंने ही बताया था IUCN के माध्यम से ही क्या होता है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां, अगर आपको पता हो तो पिछले सेशन में मैंने इसका बताया था। आप सोचो कितना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके बीच में खड़ा हूं। जबरदस्त तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए और आप देखो कि पिछले सेशन का क्वेश्चन यहां पर के बदल करके पूछ रहा है, और बदल करके कैसा पूछ सकता है मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया था, प्रीवियस 2011 में जो मैंने आपको कराया था। तो IUCN ही क्या करता है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनके लिए क्या करता है, रेड बुक या रेड लिस्ट जारी करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेड बुक या रेड लिस्ट जारी करता है। इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यह मुख्य रूप से किसके लिए काम करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो संस्था है वह मुख्य रूप से इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। और यूनेस्को क्या होती है, यह शैक्षिक धरोहरों से, जो आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर है उससे संबंधित संस्था है। चलिए नेक्स्ट, IUCN आपका जवाब है। आपसे पूछा यार पर्यावरण की परिभाषा क्या है, आप बताओ। क्या पूछा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से आपका क्या जवाब है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो साथियों आपने पर्यावरण का मतलब समझा होगा, पढ़ा होगा, नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे निश्चित तौर पर, मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर्यावरण का मतलब होता है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हों, जैविक और अजैविक घटकों के बीच का जो संबंध होता है उसी को पर्यावरण कहा जाता है। यानी जैविक घटकों के चारों ओर अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। यानी ए बायोटिक और बायोटिक घटक क्या है, पर्यावरण के पार्ट है। ए बायोटिक का मतलब अजैविक, बायोटिक का मतलब जैविक। ठीक, शानदार तरीके से चीजों को साथियों शानदार तरीके से ग्रहण करें, मजा आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्लीज एक बार सभी लोग और शेयर कर देंगे, और जो मैंने आपको बताया है कि आप आराम से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के क्या करें, Study91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से हमारा पाठशाला बैच आप परचेस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपको देना है, 71 नंबर।
चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए कि चमगादड़ स्तनधारी है, क्यों है? क्योंकि वह उड़ता है, क्योंकि वह रात्रि में चलता है, क्योंकि वह शाकाहारी है? नहीं, क्योंकि वह बच्चे देता है। तो बच्चों को दूध तो पिलाएगा ही ना, तो चमगादड़ स्तनधारी, उसमें स्तन पाए जाते हैं क्योंकि वह क्या करता है, बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ओजोन परत से संबंधित लगातार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ओजोन। 2011 में एक क्वेश्चन, 2013 में दूसरा क्वेश्चन ओजोन परत से, खुद आप अपने आंखों के सामने देख लो। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो आपको पता होगा कि सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी पर होती पहुंचती हैं, कौन सी किरणें? परा बैगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? तो O2। तो कौन? पराबैंगनी किरणों को। कौन सी किरणों को? पराबैंगनी किरणों को। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत, फिर भी मैंने बताया ओजोन दिवस कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई अब याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, डाब्शन में मापा जाता है। और सबसे कमजोर परत अगर है कहीं तो वह दक्षिणी गोलार्ध में है या दक्षिणी ध्रुव के आसपास है, दक्षिणी गोलार्ध में। बहुत शानदार तरीके से चीजों को लेते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी। अभी आपने देखा 2011 में सीएनजी गैस के बारे में पूछा कि सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है, अब पूछ रहा है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? क्या? एलपीजी किसका? एलपीजी गैस जो हमारे घरों में यूज होती है, जिससे हम भोजन पकाते हैं। लो पेड गेम्स है, कम पैसा देने वाला खेल है क्या भाई? लोकल पैसेंजर गाड़ी है क्या भाई? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस है एलपीजी। इसमें क्या समझाना यार, कितना हलवा आता है फिर भी सिलेक्शन कम बच्चों का होता है। क्यों? क्योंकि हम आप रटते हैं, हमको आपको रटने की जरूरत नहीं है, हमको आपको समझने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हमको आपको समझने की जरूरत है। बहुत ही शानदार तरीके से सेशन होने वाला है, ये तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। क्वालिटी तो आपको मिलेगी अच्छी क्लास में, और अच्छी जब हम लोग विस्तृत तरीके से आराम से सेशन को पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? अच्छा बताओ कि बालकों में जो बालक वर्ग है, जो शैक्षिक कार्यों में लगा हुआ है, उसके अंदर पर्यावरण से संबंधित जागरूकता कैसे पैदा की जा सकती है? व्याख्यान देकर, घुमा करके, समूह वार्तालाप करके, अध्ययन करके। देखिए वह पर्यावरण को तभी समझ सकता है जब वह अपने आसपास की चीजों को घूम करके देखेगा, क्षेत्रों में जा करके देखेगा, और देखेगा कि भौतिक और जैविक चीजें कैसे आपस में संबंध होती हैं, कैसे जल और मृदा पाकर के एक बीज का प्रस्फुटन होता है, तभी उसको समझ में आएगा आखिर पर्यावरण है क्या। उसको कैसे लगता है कि बादल बनते हैं, वर्षा होती है, सब कब जानेगा? जब वह क्षेत्र अध्ययन करेगा, नो डाउट। लेकिन ज्यादा जागरूकता कब उसके अंदर होगी? जब वह घूम कर देखेगा, क्षेत्रीय भ्रमण करेगा, तब उसके अंदर क्या होगी? जागरूकता ज्यादा होगी। देखिए शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है? कि पर्यावरण जागरूकता का विकास का सृजन करना है जागरूकता का, तो उसको घुमाना होगा बच्चों को, बालकों को घुमाना होगा, बालिकाओं को। क्यों? क्योंकि वह तभी जानेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे कि आखिर पर्यावरण है क्या। ठीक, वो पर्यावरण को कैसे समझेंगे? देखेंगे, समझेंगे कि यार पेड़ पौधे पशु पक्षी कैसे मृदा से, जल से, पहाड़ से, पर्वत से, मैदान से घिरे हुए हैं।
सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, कैसे जब देखेंगे तभी पता चलेगा। तो क्षेत्रीय भ्रमण पर्यावरण जागरूकता का विकास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सीएनजी से भी क्वेश्चन आ गया, भाई कहीं बाहर का नहीं होता, सब समेट लोगे, 30 समेत 30 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट से मिलेंगे, बट आप लोग आराम से इस स्टडी 91 का एप्लीकेशन आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, रजिस्टर्ड करिए, वहां से आपको यूपी टेट के बारे में जानकारी और अच्छे तरीके से मिलेगी। और यूपी टेट का एक बैच, बहुत ही शानदार बैच, पाठशाला बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं, आप बहुत ही कम न्यूनतम फीस में मात्र 999 रुपये देकर के आप एडमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीएनजी गैस, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कौन करता है, वाहन उद्योग, खाना बनाना या वाहनों एवं उद्योगों में। तो जल्दी से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सीएनजी का प्रयोग कहां होता है, वाहनों में होता है। मैंने अभी आपको बताया था आपके उद्योगों में भी होना शुरू हो गया है सीएनजी का प्रयोग, तो अब उद्योगों में भी होना शुरू हो गया है, उद्योगों में होगा, वाहनों एवं उद्योगों में होता है। साथियों वाहनों और उद्योगों में क्यों होता है, क्योंकि उससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण का खतरा नहीं है, सीएनजी के जलने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, सीएनजी के जलने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। सीएनजी गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है कहां, वाहनों और उद्योगों दोनों स्थानों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, शैक यानी लाइकेन है, पूछा है लाइकेन क्या है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है। ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जंतु जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उसको परजीवी कहते हैं। जैसे उपभोक्ता, जितने भी उपभोक्ता होते हैं चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, वे सब क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। अपघटन का मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों को, जो मरे हुए जंतुओं को क्या करते हैं, सड़ा गला कर कार्बनिक पदार्थों के रूप में पृथ्वी में मिला देते हैं, उसको अपघटक कहा जाता है, जैसे कवक और जीवाणु। लेकिन आपका क्वेश्चन है शैवाल, अच्छा शैक लाइकेन से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए साथियों, जब दो पेड़ पौधे या दो वनस्पतियां एक साथ जीवित होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, एक साथ साथ चलती हैं, तो उसको सहजीवी या सहजीविता कहा जाता है, और लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है। या ल्यूकीमेनिया के साथ लाइकेन किसके साथ, ल्यूकीमेनिया के साथ, लाइकेन ल्यूकीमेनिया के साथ सहजीविता करता है और दोनों साथ साथ जीते हैं। इसलिए लाइकेन एक प्रकार का कैसा वृक्ष है, पौधा है, वनस्पति है, छोटा छोटा कैसा है, सहजीवी है। चलिए एक क्वेश्चन कई बार एग्जामों में नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, सेशन जब क्लास में होगी तब इसके बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से बात होगी। तो आपने देखा हो लाइकेन क्या है, सहजीवी। भाई सहजीवी का मतलब साथ साथ जीने वाला, साथ साथ जीने मरने की कसम खाने वाला सहजीवी कहलाता है, समझ रहे हैं ना, साथ साथ जीने मरने की कसम खाने वाला क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। आपका बहुत ही शानदार और 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, जो समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं उससे क्या प्राप्त होता है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का। तो जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से जवाब दीजिए साथियों, मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। जल्दी से आप लोग बताएं कि समुद्री शैवाल क्या किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, बहुत ही शानदार जवाब देंगे कि समुद्री शैवाल आयोडीन का स्रोत है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप देख लो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा रोग हो जाता है,
घेंघा रोग या गलसुआ रोग भी बोलते हैं उसको, गले में सूजन आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, गलेसुआ नहीं गलसुआ बोलेंगे भाई, गलसुआ रोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन कहाँ से मिलते हैं, समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल ही आयोडीन के सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। चलिए आइए बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 या 78। यह क्वेश्चन आपके वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना शुरू करें। क्या है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इटियोलॉजी में, किसमें, इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमोलॉजी में। तो जल्दी से बताइए कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम कहाँ करते हैं। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करेंगे। तो जीवों के विज्ञान, जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, इथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो हम लोग इथोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, हम लोग इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इथोलॉजी। एकदम इसको तो भाई याद करना होता है, इसमें कोई ट्रिक ना है ना कुछ है ना कोई समझाने की प्रक्रिया है। तो इसलिए सभी लोग इसको याद करिए, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और फैला दीजिए, क्योंकि हम हैं तैयार आपको शिक्षक बनाने के लिए, टेट पास करवाने के लिए, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। 30 में 30 क्वेश्चन एनवायरमेंट के यहाँ पे मिलने हैं आपको, 30 में 30 कहीं भी इतना मिल जाए तो कहना, क्योंकि साथियों नाम के लिए नहीं काम की बातें होती है यहाँ पे। 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का हमने अगर विश्वास जीता है तो जाहिर सी बात है हमने उनके लिए काम किया है और हम आपके लिए भी काम करने के लिए तैयार है। चलिए इथोलॉजी आपका आंसर है। पर्यावरण को बचाने के लिए, क्या, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। देखिए औद्योगिकीकरण में क्या होता है कि पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों को साफ किया जाता है, वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाया जाता है। लेकिन चिपको आंदोलन का मतलब है कि अगर हम पेड़ों से चिपक जाए, इंसान पेड़ों से चिपक जाए, तो पेड़ों को काटना संभव नहीं होगा, औद्योगिकरण में पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। ये चिपको आंदोलन कहां हुआ, उत्तराखंड में हुआ। और इसके प्रमुख नेता का नाम भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुड़ा। क्या नाम है, लिख लीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुड़ा। सुंदरलाल बहुगुड़ा यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ था कि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, जिसके वजह से वहाँ उन्होंने रक्षा की पर्यावरण की और पेड़ ज़्यादा कट नहीं पाए, तो ये बहुत ही सही बात है। अच्छा आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुड़ा जी ने, और एक भट्ट करके भी थे, अगर राजा चंद, मुझे नाम क्लियर नहीं आ रहा है, मैं आपको क्लास में जरूर बताऊंगा, एक भट्ट करके भी कोई नेता थे, लेकिन प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुड़ा जी ही थे। कौन थे प्रमुख नेता, तो प्रमुख नेता के तौर पर श्रीमान सुंदरलाल बहुगुड़ा जी ही थे। चलो चलो जबरदस्त इंपॉर्टेंट, मजा आ रहा है। आइए बात करेंगे आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपके एनवायरमेंटल स्टडीज 2013 का जो क्वेश्चन है उसका 20वां क्वेश्चन या 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर किसको कहते हैं,
चींटी को, केचुआ को, मधुमक्खी को या तितली को? आप जल्दी से बताइए कि किसको किसान का मित्र कहा जाता है। देखिए साथियों, किसान का जो मित्र कहा जाता है, किसका मित्र? किसान का मित्र, या किसान मित्र भी लिख सकते हैं। किसान मित्र दो जीवों को कहा जाता है, एक सांप को कहा जाता है, एकदम गांठ बांध करके लिख लीजिए, और एक केचुए को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ और सांप। अच्छा, केचुए को क्यों कहा जाता है? केचुआ क्या होता है ना कि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में उर्वरता शक्ति बढ़ाता है, जल सोखने की क्षमता में वृद्धि करता है। और सांप को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है भाई? सांप को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है कि सांप चूहे को खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि भोजन है, और जो चूहे होते हैं ना किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो केचुआ इसमें ऑप्शन में क्या होगा? किसान का मित्र कहा जाता है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। तो किसान का मित्र किसको कहते हैं? तो किसान का मित्र हम कहते हैं केचुए को। ओके, चलिए, बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात पूछा है, लेकिन आप में क्या था कि यहां 2013 के एग्जाम में बड़ी समस्या आ गई, ये क्वेश्चन है गलत। क्यों है? क्योंकि 940, अब देखिए क्या होता है। पहली बात देखिएगा, लिंगानुपात क्या होता है, क्या देखना है? लिंगानुपात क्या होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिला की जो संख्या है उसी को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। और ये आपके ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए इसको होना चाहिए था 943, तभी आपका ऑप्शन होता सही, ठीक। देखिए, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए, सबसे कम सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। जल्दी से बताइए, तो सबसे कम सेक्स रेशियो कहां है? हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है, यह बहुत दुखद बात है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां है सर? तो सबसे ज्यादा है केरल में, ठीक। देखिए, एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर होते हैं, जनगणना से भी क्वेश्चन आते हैं, भी हम पढ़ाएंगे बहुत शानदार तरीके से। एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं घुमाने फिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, इसलिए डाटा अच्छा खासा तैयार कर देंगे और वहां से आपको जनगणना के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और चीजें आपको अच्छी और इंपॉर्टेंट मिलेंगी। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, आपसे पूछा है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, ये हम भारत के मानचित्र की बात करें,
जैसे हम लोग क्या करें यहाँ पर के भारत के मानचित्र की बात करें तो हम लोग देख पाएंगे कि जो यह स्थान है, जो आपका यह स्थान है ना, इसी को यहाँ पर एक राज्य है आपका तमिलनाडु का। कौन सा राज्य साथियों? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क या मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कौन, कहां पर? तमिलनाडु में। यह राष्ट्रीय पार्क बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है, तमिलनाडु में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। देखिए साथियों, राष्ट्रीय पार्क से भी संबंधित संपूर्ण डाटा मैं आपके सामने पेश करूंगा कि कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट्स करते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जवाब भी दे रहे हैं। जितने लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने गलत भी दिया। तो क्या है, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क की, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के आपके। देखिए क्या होता है ना कि सारे राष्ट्रीय पार्क बड़े, सारे राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट होते हैं। जरूरी है कि अब आपके एग्जाम में आता कैसा है, आपको नाम पता है या नहीं पता है। तो उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, उसके लिए आपको राज्य वाइज लिस्टिंग करनी चाहिए। राज्य वाइज आपको ऐसा नहीं है कि सब एक साथ पढ़ लेना, हर एक राज्य का अलग अलग राष्ट्रीय पार्क को आपको पढ़ लेना है और उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास में देखेंगे, पाठशाला पेज आप ज्वाइन करेंगे वहां पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए साथियों आइए आगे बढ़ते हुए, आपको मिला क्या कि तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। चलिए भाई, ये ज्योग्राफी का अच्छा खासा क्वेश्चन आपके बीच में है। क्या कर रहा है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियन याम उत्तर पर खींची गई है। 180 अंश मेरिडियन याम उत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा की बात की जा रही है। चलिए आइए, अब पहले हम लोग इस रेखा को बना लेते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं। देखिए साथियों, ये आपके दोनों ध्रुव हैं, यह आपके दोनों ध्रुव हैं। क्या पूछ रहा है, 180 अंश मेरिडियन की बात करें तो यह किसकी बात कर रहा है साथियों? पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर यह 180 अंश मेरिडियन की बात करें ना तो यह देशांतर रेखा की बात कर रहा है। कौन सी रेखा की बात कर रहा है? देशांतर। देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड, देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो आपके ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा होती हैं, ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा होती हैं। एक क्वेश्चन यहां से आपसे और बनेगा कि देशांतर रेखाएं आपस में कहां मिलती हैं, तो देशांतर रेखाएं आपस में ध्रुवों पर मिलती हैं। कहां मिलती हैं? ध्रुवों पर मिलती हैं। देशांतर रेखाएं, यहां पर एक काल्पनिक रेखा होती है जो आपके ग्रीनविच से गुजरी है, इसके तरफ 180 रेखाएं होती हैं और इसके तरफ भी कितनी होती है? 180 रेखाएं होती है, मतलब कुल कितनी होती है? 360 होती है। अगर आप शानदार तरीके से देखने का प्रयास करेंगे तो ए 180 अंश वाली रेखा और ए 180 अंश वाली रेखा एक ही रेखा होती है और यहीं से तिथि का निर्धारण किया जाता है। किसका? तिथि का निर्धारण, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 अंश मेरिडियन रेखा। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? तो 0 डिग्री मेरिडियन रेखा है। यह कहां से होकर के गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के गुजरती है। भारत की समय रेखा कौन सी है? तो भारत की जो समय रेखा है वह कहां से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर के गुजरती है, प्रयागराज के 82.1/2 अंश ईस्ट लैंगिट्यूड से, पूर्वी देशांतर है। देखिए जो कर्क रेखा है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वह 23.1/2 अंश पर है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और नागालैंड, ये 8 राज्य हैं। विषुवत रेखा यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसपे दिन और रात बराबर होते हैं।
ये प्रधान एवं उत्तर रेखा किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं, इसको प्रधान समय रेखा भी कहा जाता है। जब मैं आपको अक्षांश और देशांतर निर्वाहमेंट के चैप्टर में ज्योग्राफी का सेशन पढ़ाऊंगा तब वहां पर हम लोग इस चीजों को अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलो क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसका निर्धारण कब किया गया कि 180 डिग्री ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी, तो इसका निर्धारण किया गया था 1884 में। कब? 1884 में इसका निर्धारण किया गया था, यह भी आपको कंफर्म तरीके से पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से की गई? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर का क्या मतलब है भाई? प्रोजेक्ट टाइगर एक अभियान था भारत में, जो चीता और शेर प्रजाति के जानवर थे बहुत तेजी से विलुप्त हो रहे थे, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस समय पूरे दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। तो उसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। आपको पता होगा कि भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कौन सा? पहली बार पर्यावरण को ध्यान दिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आपको पता होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1972 में। और इसी से आगे बढ़ते हुए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, आगे पैदान पर जाते हुए 1973 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत टाइगर्स, चीता, बाघ, शेर जैसे प्रजातियों को रहने के लिए वातानुकूलित माहौल, मतलब उनके अनुकूल, माफ कीजिएगा वातानुकूलित नहीं, उनके अनुकूल जंगल जैसा माहौल बनाया गया। बड़े बड़े टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की गई, बड़े बड़े बाघ अभ्यारण्य बनाए गए, और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि दुनिया में सबसे अधिक शेर भारत में। ठीक, चल ये सौभाग्य की बात है भाई। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो मुख्य रूप से चार गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैस में। एक होता है मेथेन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है आप चूज कर लीजिए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है जो वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा योगदान देती है? तो आप लोग जल्दी से बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के लिए गैस कौन सी है? तो मेथेन है। चारों गैसों का नाम आपको पता होना चाहिए, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एकदम दमदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें से मेथेन है। मैं आपका हिंदी में भी नाम लिख दे रहा हूँ, शायद आप लोग ना समझ पा रहे हों, मैं भी समझ पा रहे होंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है और एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? मेथेन है। इसमें से आपको CH4, CO2, N2O, CFC ये पता होना चाहिए।
क्योंकि यहां से भाई आप एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, यह भी ज्योग्राफी का बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके 2013 के एनवायरमेंटल स्टडी में ज्योग्राफी का समावेश अच्छा खासा किया गया है, क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इक्विवेलेंट सब्जेक्ट होते हैं साथियों। तो प्लीज एक बार सभी लोग एक बार और पुनः वीडियो को शेयर करके जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 या 86 का, क्या कह रहा है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। अगर हम वायुमंडल की परतों की बात करें सबसे पहले कौन सी परत होगी, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वाह या बहिर्मंडल। तो क्या पूछा है कि जो क्षोभ मंडल होता है ना, ये मौसम संबंधी घटनाएं ही होती हैं, मौसमी घटनाएं, मौसमी परिवर्तन। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आज ही बता दे रहा हूं, भविष्य में तो बताऊंगा कि मौसमी घटनाएं सबसे ज्यादा किस मंडल में पाई जाती हैं, होती किस में, क्षोभ मंडल में। अगर यहाँ पे टेम्परेचर समान है, समताप मंडल है, तो यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, इसलिए हवाई जहाज के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। हवाई जहाजें कहाँ ज्यादातर चलती हैं, समताप मंडल में, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। लेकिन इसमें से सबसे ठंडा मंडल कौन होता है, मध्य मंडल होता है, और मध्य मंडल के बाद ये सब आपके जो हिमालय पर्वत वगैरह ना, सब मध्यमंडल के ही पार्ट है, और ऊपर मध्यमंडल होता है, उसके बाद का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत शानदार सेशन। प्लीज एक बार और आप लोग शेयर करेंगे ज्यादा ज्यादा संख्या में, ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको यूपीसीएट से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। पाठशाला बैच का शुभारंभ हो चुका है, आप जल्दी करें, नहीं तो आपको आवश्यकता है कि वंचित रह जाएंगे छूट से। वैसे फीस 1999 रुपए है, लेकिन हम सब ने डिस्काउंट प्राइस में देने का प्रयास किया इस कोविड की वजह से। आप 999 रुपए में अपने घर से बैठ करके आराम से यूपीसीएट क्लियर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए बताइए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, वृष्टि है, जल्दी से जवाब दीजिए आज सभी लोग। सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से दबाव देने का प्रयास करेंगे कि भारत में यार कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे शानदार मौसम, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो आइए बताइए, जल्दी से सभी लोग बताइए, शानदार क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। तो देखिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, वृष्टि की वजह से हमारी कृषि खराब हो जाती है। अरे ओलावृष्टि की बात कर रहा है भाई, वृष्टि का मतलब कौन सी और वृष्टि की बात नहीं कर रहा है, ओलावृष्टि की बात कर रहा है। तापमान ऊपर नीचे होगा, नमी होगी, ठीक है, हवा चलेगा, लेकिन अगर पत्थर गिर जाए, ओला गिर जाए, तो हमारी पूरी कृषि क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए शब्दों को समझे, वृष्टि में ओलावृष्टि नहीं होगा, ओलावृष्टि आपके ऑप्शन में नहीं देगा। अच्छा, अगर ओलावृष्टि दे देता तो आप तो सभी लोग टिक कर देते ना, लेकिन कुछ लोग तो गलत भी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही से समझा ही नहीं। चलो चलो साथियों, बहुत और एक बार शेयर करिए, और अब बात करेंगे आज के सेशन का 88 नंबर क्वेश्चन, यानी वैसे 28। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन है, वायरस से। अभी देखिए, इसमें कोविड वायरस आया है, कोरोना वायरस आया है, तो क्या होता है, वायरस से ज्यादातर वही रोग होते हैं, वायरस से जा देखिए क्या है कि वायरस से ज्यादातर वही रोग होते हैं जो हमारे गले को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं?